इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तीसरे फेज में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर बताई जा रही है। बता दें, सुपौल में बूथ नंबर 154 में तैनात अधिकारी की मौत हुई है। फिलहाल हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। सुपौल के बाद अररिया में होमगार्ड जवान की भी मौत की खबर है। बता दें, बिहार में 5 सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार मैदान में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तीसरे फेज में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर सामने आई है। सुपौल में बूथ नंबर 154 में तैनात अधिकारी की मौत की खबर है। बता दें, मामले में फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। वहीं सुपौल के बाद अररिया में भी होमगार्ड जवान की मौत की खबर है। बता दें, बिहार की 5 सीटों पर कुल 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तीसरे फेज में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर बताई जा रही है।